हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। लेट्स फर्दर कंटिन्यू अवर टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। अवर टॉपिक ऑफ टूडे वीडियो इज द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इससे पहले जो एक दो जो टॉपिक अगर आपके जो हैं बुक में वो हम करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि देखो हमने क्या कर ली, हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कर चुके और बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कर चुके हैं, तो उनका हमें मेथड पता है। तो अब हम आसानी से जो है कौन सा कर सकते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को इजिली से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए वही सबसे पहले तो आप बताओगे कि फर्मी डिराक जो स्टैटिस्टिक्स होती है, ये इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। किसको फॉलो करते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्या नाम देते हैं उनको, फर्मियोन्स। फर्मियोन्स हैं तो इसलिए इनकी जो स्पिन होती है वो क्या होती है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर फर्मी डिराक की कुछ कंडीशन है क्या, कि जो पार्टिकल्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए, है ना। पार्टिकल किसको ओबे करेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो क्या कहता है, एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल आएगा, है ना, कुछ कंडीशंस थी। उसके बाद टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए सिस्टम की, कांस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट। तो पहले जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसका जो है डेरिवेशन, कि इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वही लिखोगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जैसे आपने बोज आइंस्टाइन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में लिखा है क्या, कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहली बात पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इनकी स्पिन कैसी होती है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती है एच कट की। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन सब क्या है, आपके फर्मियोन्स है, क्योंकि ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम फर्मियोन्स कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखोगे कि हमने क्या किया है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होने के साथ साथ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। उसके बाद क्या कंडीशन है कि भाई जो पार्टिकल्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल्स में तो क्या होता है, एक सेल में सिर्फ क्या आएगा, एक ही पार्टिकल आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वही चीजें लिखनी है, तो क्या लिखोगे, लिखेंगे दिस स्टैटिस्टिक्स इज ओबेड बाय, दिस स्टैटिस्टिक्स इज ओबेड किससे, बाई इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, बाई इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ठीक है, हैविंग हाफ इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन, किसकी, ऑफ एच कट। ठीक है, एंड आर कोल्ड, और इनको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड फर्मियोन्स। ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, फर्मियोन्स का नाम देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, और क्या है आपका, प्रोटोन, और क्या है, न्यूट्रॉन, तो ये सब क्या है हमारे जो है फर्मियोन्स है। ठीक है, उसके बाद क्या लेके चलोगे, एक सिस्टम कंसिडर करेंगे जिसके अंदर कितने एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, उनको डिवाइड किया लेवल्स में, सब ग्रुप्स में। ठीक है, जीआई में जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एन आई है। ठीक है, तो पहले वही लिखेंगे क्या, कंसिडर ए सिस्टम, कंसिडर ए सिस्टम, एक कंसिडर सिस्टम को कंसिडर किया जिसके अंदर क्या है, हैविंग एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ठीक है, अब उन पार्टिकल्स के ऊपर कुछ कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन किसकी, इन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, एफ डॉट डी का मतलब फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है वो लिखो आप सबसे पहले। मेन बात तो ये है क्या, द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, कि पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स आर इन डिस्टिंग्विशेबल, सबसे पहली बात हो गई। साथ में एंड, और क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, पार्टिकल जो है सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहते हैं, रहने चाहिए, शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, कि जो किसको ओबे करेंगे, पाउली एक्सक्लूजन, और पाउली एक्सक्लूजन भी अगर आपको नहीं पता हो तो क्या कहोगे, एक जो है सेल में, एक सेल के अंदर सिर्फ कितना पार्टिकल आ सकता है, एक। ठीक है, क्या, देयर इज ओनली वन पार्टिकल, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर सेल,
एक पर्टिकुलर जो सेल है उसके अंदर कितने पार्टिकल आ सकते हैं आपका, सिर्फ सिंगल पार्टिकल आ सकता है, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसके बराबर होनी चाहिए, या नंबर ऑफ सेल्स जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर, या फिर सेल्स ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तीसरा क्या है, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो भी क्या रहनी चाहिए आपकी, कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, कंडीशन, ठीक है। अब हमें तो क्या करना होता है, हमें तो जो है डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्शन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं, उसके बाद तीन इक्वेशंस बनती हैं, वहां से जो सेम प्रोसीजर किसमें किया है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में, बोज आइंस्टाइन में, सेम प्रोसीजर किसमें फॉलो होगा आपका, फर्मी डिरैक में, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले क्या लिखते हो, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो लिखोगे इन केस ऑफ फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज डब्ल्यू, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट पाई आई वन से लेके कहां तक, के तक, वो किसके बराबर है, ये चीज ध्यान रखना, जी आई फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एन आई, सॉरी जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल। ये आपका मेन रिजल्ट है क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू किसके बराबर होती है, जी आई फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, क्या है ये, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हमें तो क्या निकालनी होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट निकालनी होती है, मैक्रो स्टेट। तो हम क्या लेते हैं, इसका लोग लेते हैं, लोग के बाद क्या करते हैं, कहीं पे स्टिर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लग रहा हो वो लगाते हैं, उसके बाद क्या करोगे आप, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, उसको जीरो के बराबर पुट करोगे, और दो कंडीशन, एक पार्टिकल कॉन्स्टेंट और एक एनर्जी कॉन्स्टेंट की लगा के तीन इक्वेशन बनेंगे, तीनों को सिंगल इक्वेशन में रिड्यूस करके हमारे पास क्या आ जाएगी, वहां पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, फॉर मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, तो मोस्ट प्रोबेबल के लिए क्या लोगे, लोग लोगे, है ना, ब्रेकिंग लोग क्या बन जाएगा, लोग डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई, पाई का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है तो लोग लेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, समेशन में, ठीक है। आई कहां से, वन से के तक, लोग क्या बन जाएगा, लोग जी आई फैक्टोरियल, ठीक है, ये नीचे है तो क्या जाएगा, माइनस लोग एन आई फैक्टोरियल, फिर माइनस लोग ऑफ जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल, यही होगा। अब क्योंकि ni और gi की वैल्यू क्या है, लार्ज है ना, एज ni एंड gi आर लार्ज, तो हम क्या यूज करेंगे, वी यूज स्टिर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। स्टिर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n होता है, तो वो लगा दो, यहां तो log w एज इट इज इक्वल टू समेशन, ठीक है। देखो जीए क्या बनेगा, जी आई समेशन आई, नहीं लिख रही हूं, हमेशा वन से के है, ठीक है। क्या होगा, एन आई लोग, लोग एन फैक्टोरियल कैसे खुलता है, एन लोग एन माइनस एन, तो खोलो इसको, ये क्या हो जाएगा, जी आई है ना, लोग जी आई माइनस जी आई होगा। उसके बाद इसको खोलो, ये भी कैसे खोलेगा, माइनस एन आई लोग एन आई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन आई हो गया। अब इसको खोलो, ये कैसे खुलेगा, यहां लिख लेते हैं प्लस, ठीक है, क्या सॉरी माइनस, क्या है, जी आई माइनस एन आई, ठीक है। फिर क्या होगा, लोग ऑफ जी आई माइनस एन आई होगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जी आई और माइनस एन आई, ठीक है, यही होगा ना, एन लोग एन माइनस एन करके खोला आपको, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो इसको, तो हमारे पास जो लोग डब्ल्यू है वो किसके बराबर आ गया, समेशन आई, ठीक है, वन से के। देखो पहली टर्म क्या है, जी आई लोग जी आई, तो एज इट इज है ना, जी आई लोग जी आई एज इट इज। यहां पे देखो ये माइनस जी आई, ये प्लस जी आई कैंसिल, ये प्लस एन आई, ये माइनस एन आई कैंसिल, क्या बचा, माइनस एन आई लोग एन आई, क्या बचा, माइनस एन आई लोग एन आई बचा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा, माइनस जी आई माइनस एन आई और लोग जी आई माइनस एन आई, सिर्फ यही बचा और तो कुछ नहीं बचा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या डाल दो, फाइव, ठीक है, हो गई मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के। अब हमें तो ये तो क्या है, लोग डब्ल्यू। अब मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए हम क्या लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इक्वेट कर देंगे जीरो, है ना। तो लिखोगे फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या लेंगे, टेक डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड, और फिर क्या कर देंगे, इसको इक्वेट टू जीरो, जीरो के बराबर क्या कर देंगे, इक्वेट। तो देखो क्या हो जाएगा, डी लोग डब्ल्यू इज इक्वल टू, है ना, इधर भी क्या लोगे, डिफरेंशिएशन लोगे, तो जी आई तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये तो वैल्यू हट जाएगी जीरो। यहां पे आओ क्या होगा, समेशन आई तो एज इट इज, ठीक है। अब देखो एन आई
माइनस का एनआई एज इट इज, लॉग एनआई का क्या होगा, वन अपॉन एनआई इंटू डी एनआई, फिर एक बार इसका कर दो डी एनआई और लॉग एनआई एज इट इज, हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आओ देखो, अब इस वाले टर्म पे आओगे, कौन से वाले पे, इस वाले पे, इस पे करो देखो, इसको एज इट इज रखो चाहे तो, एक बार माइनस है ना, एक बार देखो कैसे करोगे, जी आई का तो होगा ऐसे कर लो, इसको तो एज इट इज रखो, क्या जी आई माइनस एन आई को तो एज इट इज, लॉग का करेंगे तो वन अपॉन जी आई माइनस एन आई, जी आई का होगा नहीं, और इसका करेंगे तो क्या आएगा माइनस का डी एन आई, हो गया यू इंटू वी से। अब अगली बार इसको तो एज इट इज रखो, माइनस लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई को तो एज इट इज, और इनका करो, इसका करेंगे तो कैसे, जी आई का तो हट जाएगा लेकिन इसका क्या आएगा माइनस डी एन आई, यही होगा, ठीक है, हो गया ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो करो इसको सोल्व आउट, यहाँ पे एन आई से एन आई कैंसिल, क्या बचा माइनस डी एन आई, समेशन आई माइनस डी एन आई, ये क्या है माइनस डी एन आई लॉग एन आई, फिर देखो इसको करो, ये माइनस तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये तो कैंसिल हो गया तो प्लस का डी एन आई हो गया, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, लॉग जी आई माइनस एन आई इंटू डी एन आई, यही हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा समेशन आई लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई प्लस की टर्म माइनस लॉग ऑफ एन आई, और इस कंप्लीट के बाहर क्या है आपका डी एन आई, हो गई ये इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या आया लॉग डब्ल्यू, डी लॉग डब्ल्यू है ना, और इसको किसके बराबर इक्वेट करते हैं जीरो के बराबर, तो जीरो के बराबर कर दो तो हमारे पास क्या आ गया समेशन आई लॉग जी आई माइनस एन आई माइनस, ठीक है, लॉग एन आई और डी एन आई किसके बराबर आ गया जीरो के बराबर, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं, क्या अप्लाई द कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसका, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, के सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है कॉन्स्टेंट, इसका मतलब एन किसके बराबर है समेशन ऑफ आई एन आई, और ये क्या है कॉन्स्टेंट, तो हमें तो क्या निकालनी है डी एन आई है ना, या डी एन इज इक्वल टू क्या होगा समेशन ऑफ आई डी एन आई किसके बराबर जीरो के बराबर। उसके बाद तीसरा क्या लगाएं, अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, अब किसका अप्लाई करें कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, वो क्या कहता है यू किसके बराबर होता है समेशन ऑफ आई एन आई यू आई, ये भी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो डी यू किसके बराबर होगा समेशन ऑफ आई यू आई डी एन आई किसके बराबर जीरो के बराबर, हो गई तीन इक्वेशन। अब क्या करो इक्वेशन, इसको सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करें माइनस अल्फा से, इसको किससे मल्टीप्लाई करें माइनस बीटा से, और क्या कर दें इसमें ऐड कर दें सेकंड वाली में, तो देखो क्या बन जाएगा आपका समेशन ऑफ आई, अब तो सेम चीज है लॉग जी आई माइनस एन आई एज इट इज माइनस लॉग एन आई एज इट इज, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया माइनस अल्फा, फिर क्या है डी एन आई को बाहर ले लेंगे, इसको माइनस बीटा, ठीक है यू आई, और इस कंप्लीट सब के बाहर क्या है डी एन आई किसके बराबर है जीरो के बराबर, या तो ये जीरो या जी जीरो, तो ये चीज जीरो है तो कर दो इसको जीरो, लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई माइनस लॉग एन आई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यू आई, लॉग एम माइनस एन क्या होता है लॉग एम बाई एन, लॉग जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यू आई, यही हुआ ना। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, एन आई निकालना है आपको, क्या करें इसको ऐसे लिखो एंटी लॉग ले लो जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई, ये क्या हो गया जी आई अपॉन एन आई माइनस वन इक्वल टू ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई, ठीक है। तो जी आई अपॉन एन आई की वैल्यू क्या हुई ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई प्लस वन, अगर हमें क्या चाहिए एन आई चाहिए तो एन आई किसके बराबर होगा भाई एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई और प्लस वन, है ना। और यही क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन है फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, इसको क्या बोलते हैं फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन लो बोलते हैं हम इसे, ठीक है। और ये किसके बारे में बताता है गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन, किसके लिए गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल, किसके लिए है मोस्ट प्रोबेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए क्या बताता है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स, बस सिर्फ तीनों में बोज आइंस्टाइन मैक्सवेल बोल्टजमैन या फर्मी डिरैक एक जरूर मिले, क्या डिफरेंस है बस थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू को आपको लिखना है, उसके बाद क्या करना है वही सेम लॉग डब्ल्यू निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल लगानी है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लगाने हैं, तीन इक्वेशन आई उनको सिंगल में रिड्यूस कैसे करेगा या तो माइनस अल्फा या माइनस बीटा से या फिर अल्फा और बीटा से, ठीक है।
उनसे मल्टीप्लाई करवा के और सिंगल इक्वेशन में रिड्यूस करने के बाद क्या आ जाएगा, वहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एनआई की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए? तीनों के लिए, चाहे वो आपकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हो, चाहे वो आपकी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे वो आपकी बोज़ आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हो, ठीक है। तीनों में सिर्फ क्या चेंज होती है, स्टार्टिंग में आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, वो क्यों चेंज होती है, क्योंकि तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। भाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन तो क्या कहते हैं, पार्टिकल सीरीज निगोशिएबल नहीं है, है ना, वो तो क्या कहते हैं, पार्टिकल्स क्या है, डिसनेगोशिएबल है, सब अलग अलग है, तो उसका तो अलग ही हो गया। फिर क्लास दूसरी आई बोज़ आइंस्टाइन, उसने कहा पार्टिकल्स तो इंडिसनेगोशिएबल है, लेकिन उसने कहा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक सेल में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन फर्मी डिराक क्या कहती है, एक सेल में सिर्फ एक ही पार्टिकल आ सकता है, तो हर एक की कंडीशन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की, अलग अलग है। इस वजह से रिजल्ट भी तीनों का क्या आया है, अलग अलग आया है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये थी आपकी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ओके।